के हवाले से बताएं, ब्लॉक वन की लीज कंप्लीट हो चुकी है? ब्लॉक वन की लीज कंप्लीट हो चुकी है, कुछ लोगों ने खुद ने नहीं करवाई सर। इसमें टोटल 786 प्लॉट है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 350 यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं कंप्लीट। जीएफएस में आए, बहुत अच्छा टाइम है। राइट नाउ मार्केट डाउन है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। जब मार्केट गिरती है उस वक्त पैसा लगाना चाहिए, मार्केट उठने में पैसा लगाना बेकार होता है। जैसे कि व्यूवर साहब देख सकते हैं, इस वक्त मैं निशान भाई अपना मतीन भाई के पास आ चुका हूँ और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने अपना डेक्रम रखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये। अस्सलाम वालेकुम मतीन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत सर? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर कैसे? तब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र। मतीन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर कैसे? तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मतीन भाई, ये बताएं कि आजकल क्या चल रहा है भाई? माशाल्लाह आपने कब से ये चार्ट संभाला, थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को बताएं, यहाँ के लॉटरीज को बताएं। आसिफ जैदी साहब आपसे पहले होते थे यहाँ पर और काफी माशाल्लाह से उन्होंने मामला को हैंडल किए हुए थे, लेकिन मैंने सुना है कि आपके आने के बाद काफी डेवलपमेंट हुई है और काफी चेंजेस आई है। लीज की जहाँ तक बात थी वो तो वो हैंड ओवर करके गए ब्लॉक वन की, लेकिन आगे आपने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या इनोवेशन, क्या रेनोवेशन, क्या डेवलपमेंट आपने करी है? थोड़ा सा यहाँ के अलाटीज को, थोड़े से ग्रीवेंसेस हैं उनको थोड़ा दूर करिए। सर देखें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे को चार्ट लिए हुए एक साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से। जीएफएस ने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं इधर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इस जगह पे हूँ और अल्लाह पाक के करम से अब तक जो कर रहे हैं हम लोग एज अ जीएफएस ही कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक फेस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जीएफएस अब तक जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, डेवलपमेंट वगैरह का काम बहुत तेज़ी से बढ़ाया हमने इसको, और हमारे आगे जो प्लान्स हैं वो ये प्लान्स हैं कि हम लोग आहिस्ते आहिस्ते ब्लॉक वाइज अपने प्रदेशंस की तरफ जाएंगे। जैसे अभी राइट नाउ 2023 में हम बैठे हुए हैं और अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि जनवरी या फेब में हम लोग इंशाल्लाह 2024 में ब्लॉक वन और ब्लॉक टू के हम पोजीशंस हैंड ओवर कर देंगे। और एक्सपेक्टेड है कि लीजिंग जो हमारे पास लीज जो हो चुकी है बहुत सारी जिनके हमने हैंड ओवर अभी तक की नहीं है, तो एक लीजिंग हैंड ओवर सेरेमनी भी हमने रखी है इस पर और इंशाल्लाह अज़्ज़ल वो भी विद इन अ मंथ हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। और डेवलपमेंट वगैरह आपको दिख रही है, अभी हम लोग ब्लॉक वन और ब्लॉक टू की तरफ पेवर्स डाल लें और लोगों को पोजीशन के लिए हमने बोल दिया है, इंशाल्लाह अज़्ज़ल जनवरी तक इंशाल्लाह पोजीशन हम लोग ऑफर कर देंगे। ब्लॉक वन के हवाले से बताएं, ब्लॉक वन की लीज कंप्लीट हो चुकी है? ब्लॉक वन की लीज कंप्लीट हो चुकी है, कुछ लोगों ने खुद ने नहीं करवाई, ब्लॉक वन की तकरीबन लीजें कंप्लीट हो चुकी है। ब्लॉक टू की तरफ आप जा रहे हैं सब? जी बिल्कुल, ब्लॉक टू की तरफ जा रहे हैं, ब्लॉक टू की भी लीजिंग हमारे पास हो चुकी है। मतलब भाई आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए? मुझे जीएफएस में आए हुए 3 साल हो गए हैं और फेज टू में आए हुए मुझे 1 साल हुआ पूरा। तो 1 साल के अंदर क्या चेंजेस लेकर आया? सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो जो जगह थी जिस जगह पे अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई थी हमने सारी जगह पर उस जगह पर डेवलपमेंट की। जैसे ब्लॉक वन की पीछे के जो एक साइट थी हमने उस जगह पर डेवलपमेंट की, हमने ब्लॉक हमने रेडी कर दिया अपना, ब्लॉक फोर हमने रेडी टू विजिट कर दिया, हमने एक रोड इधर आधा निकाल दिया उस जगह पर, वो रोड बाबा अब्दुल्ला मोड़ को जाकर कनेक्ट करेगा इंशाल्लाह। फिर आपने रोड की कंडीशन देखी होंगी, रोड भी काफ़ी बेहतर होता जा रहा है हमारा वक्तन पर वक्तन। प्लॉटिंग हमारे पास अच्छी और ज़्यादा सोसाइटीज़ आई, ब्लॉक 6 हमारे पास आया, ब्लॉक 5 एक्सटेंशन आया हमारे पास, बोलान कॉर्नर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास चीज़ें भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आती रही जिसमें हमने काम करते रहे और माशाल्लाह ब्लॉक 1 एक्सटेंशन जो हमारा पीछे 80 स्क्वायर यार्ड है वो भी काफ़ी डिलीवर हो चुका है, डेवलप हो चुका है। ब्लॉक 1 में 80 यार्ड्स जो है आपका डिलीवर हो चुका है। अच्छा ये बताएं कि आप इस वक्त जो स्पेशलाइज है वो बुलान के नाम से आप पहचाने जाते हैं, ये क्या ट्रेड मार्क आपने लगाया? असल में जब मैं पहला प्रोजेक्ट जब मैंने उठाया था तो मैंने बुलान ब्लॉक के नाम से प्रोजेक्ट उठाया था और बुलान के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैंने ही किया है, सोल्ड भी मैंने किया है। ये नाम ही आप लेकर आए? जी जी, ये नाम मैं ही लेकर आया हूँ, जीएफएस ने मुझे इनाम खिताब दिया था कि बुलान के नाम से आप काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुलान इज अ सक्सेसफुल ब्रांड, तो उसी ब्रांड से हम लोग काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ब्रांड है और इंशाल्लाह इसको भी हम लोग बहुत जल्द पोजीशन देंगे। 2 साल के अंदर हमने उसको ऐसा कर दिया कि माशाल्लाह लोगों की इन्वेस्टमेंट डबल हुई है, लोगों ने 35-40% का रेवेन्यू जनरेट किया है इस पर और अपनी इनकम को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अमाउंट को बढ़ाया है। जो चीज़ उन्होंने पहले 24 लाख की ली थी आज माशाल्लाह 29 लाख 30 लाख रुपये की मार्केट में बुलान ब्लॉक की फाइल, तो 5 लाख 6 लाख रुपये का जो अप्रिसिएशन मिली, अप्रिशिएट मिला है लोगों को, वो 2 साल के अरसे में मिला है और ज़्यादा हुआ नहीं है टाइम। फिर बुलान ब्लॉक के बाद पूरा फेस टू, क्योंकि बुलान फेस टू के अंदर ही था तो इसलिए मैंने फिर बुलान फेस टू मुझे मैनेजर बना दिया गया पूरा माशाल्लाह। तो ये बुलान गोल्ड के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे लोगों को? सर बुलान गोल्ड के हवाले से देखिए, जो न्यूज़ है ना वो न्यूज़ चल रही है, लोग अलग अलग आके बात करते हैं, किसी को अगर किसी चीज़ का डाउट है हमें कोई इशू नहीं है, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। अगर किसी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि कोई ज़मीन का कोई इशू है आप आ जाएँ, आपका दिल मुतमईन है तो फिर आप वेट करें। देखिए हम जीएफएस हैं, हमारे पास करीब कोई 40 से 42 प्रोजेक्ट्स हैं, जीएफएस इतना बड़ा ब्रांड है, नंबर 1 आता है पूरे पाकिस्तान में, तो हम इस तरीके से कोई एक छोटे प्रोजेक्ट को लेके भाग नहीं जाएंगे।
ना आपकी पेमेंट लेके बात देंगे, आपने कोई पूरी पेमेंट की भी नहीं है, आपने बुकिंग पेमेंट दी हुई है, तो हम आपके पैसे लेके कहीं जाने वाले नहीं, आपके साथ खड़े हुए, आपके साथ खड़े हुए, आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, आप आए, आपके साथ इंशाल्लाह पूरी सहूलत आपको देंगे। जो इन्वेस्टर थे एंड यूजर थे, ये दोनों के लिए आपने ऑफर जी सर दोनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ क्लाइंट अभी भी अटैच है बुलान गोल्ड में, वो अभी भी हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बोले हम आपके साथ हैं, हमें मजीद एक साल का वेट करना पड़ेगा तो हम करेंगे, कोई मसला नहीं, हमें GFS पे ट्रस्ट है कि GFS ने जो चीज़ की कमिटमेंट की है वो पूरी करेगा। अब तक कमिटमेंट पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह हमने, नॉट ऑन फेज़ 1 भी डिलीवर किया हमने ऑन टाइम, हमने लुबाबा रेजिडेंसी डिलीवर किया, हमने मली टाउन डिलीवर किया, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डिलीवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात काटूंगा आपकी, टोटल कितने ब्लॉक्स हैं फेज 2 के अंदर खाली? सर फेज 2 के अंदर ब्लॉक वाइज अगर ब्लॉक नंबर वाइज देखें तो तकरीबन 9 ब्लॉक बनते हैं, और क्योंकि हमने नाम भी अलग अलग दिए हुए, मेहरान दिया हुआ है, मेहरान ब्लॉक 2 है, फिर हमारे बुलान ब्लॉक है, बुलान एक्सटेंशन है, बुलान कॉर्नर है, तो इस हिसाब से अगर देखने जाते हैं तो 13 ब्लॉक बनते हैं हमारे टोटल। तो ये बुलान कॉर्नर जो है इसमें हर प्लॉट मैंने सुना है कॉर्नर है? जी सर, इसमें हर टोटल कितने प्लॉट है इसके अंदर? सर इसमें टोटल 786 प्लॉट है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 350 यूनिट सोल्ड आउट हो चुके हैं कम्प्लीटली, और हमारे पास अभी 350 आप समझ जा रहा हूँ यूनिट अवेलेबल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है और माशाल्लाह सारे एंड यूजर्स हैं हमारे पास, और बहुत अच्छा इस पर काम चल रहा है, बहुत अच्छा एक तरीके से हम लोग इस पर इनिशिएटिव लेके काम चल रहे हैं कि इसको हम लोग पोजेशन भी इंशाल्लाह 2-2.5 साल के अंदर इस पर पोजेशन भी दे देंगे, और प्रोजेक्ट को लॉन्च हुआ है आई थिंक शायद 3 महीने में। तो अभी मैं बात काटूंगा आपकी, ये वहाँ जाकर हम अभी जाएँ तो विजिट कर सकते हैं बुलान कॉर्नर को? विजिट विजिबल है, बिल्कुल विजिट विजिबल है, कटिंग हम देख सकते हैं? नहीं, प्लॉट की कटिंग नहीं है, देखिए रियलिटी आपको बताऊंगा, प्लॉट की कटिंग राइट नाउ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट आप जाहिर सी बात है 5 साल के शेड्यूल पर हमसे चीज़ ले रहे हैं तो 1 महीने या 3 महीने के अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो नहीं पाती है, आप जाहिर सी बात है शेड्यूल पर चीज़ लेते हैं, महीना इंस्टॉलमेंट देंगे तो उसके बाद ही डेवलपमेंट आपको दिखेगी। हाँ, लेकिन आप 1 साल के बाद जब इसी टाइम पर आप मेरे साथ बैठे होंगे दिसंबर में, तो आपको इंशाल्लाह नवंबर में आप जब अगले साल 2024 में मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको शायद वहाँ जाकर प्लॉट पर खड़ा करके दिखाऊंगा, और लोग शायद इंशाल्लाह सुना है कि फेज 2 को फेज 1 से कनेक्ट किया जा रहा है टाइटेनियम ब्लॉक के सामने से रंजीत के नाम पे। एग्जैक्टली सर, वो पीछे वाला जो रोड मैं आपको बता रहा था कि हम लोग उस रोड पर काम कर रहे हैं, हमने तकरीबन वो रोड काट चुके हैं, काट दिया हमने, वो एक छोटा सा एक हिस्सा है वो जगह रह गई है इंशाल्लाह, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, आप जाते हुए साइड पे विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे माशाल्लाह हमारे ट्राले वगैरह लगे हुए हैं, उस रोड को काट रहे हैं, उस रोड को सीधा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारा फेज 1 फेज 2 इंटरचेंज कनेक्टेड पा जाएगा टाइटेनियम के साथ। ये सामने रूअल के सामने इतनी डस्ट है, यहाँ पर आते हुए एंड यूजर को इन्वेस्टर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट रोड है, ये सी पैक से भी जुड़ा हुआ है, नॉर्दर्न बाईपास से अटैच है, मंगूपीर को टच करता है, तो पहले तो इरफान साहब ने यहाँ पे वर्किंग भी की थी, पैसा भी इन्वेस्ट किया था, उस वक्त इन्होंने रोड भी बनाया था, तो क्या ये मुस्तकिल हल नहीं है कि हाई टेंट के सामने वाला रोड की बात कर रहा हूँ? देखिए सर, मसला सारा ये आता है कि बेसिकली इंडस्ट्रियल रोड लगता है इधर, इंडस्ट्रियल बहुत सारी चीज़ें हैं, और ऊपर से इधर ये रोड अब पब्लिकली इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि अब इधर जगह पर अब जगह नहीं बची है ना, रोड पर हमें रोड पर काम करते हैं, रोड पर टूट जाता है क्योंकि पानी के टैंकर वगैरह पानी इधर से जाते हैं, फिर हब डैम की वजह से लोग पानी इधर से लेके जाते हैं, तो उस वजह से रोड हमारा ख़राब हो जाता है आगे नहीं आगे, तो इस रोड तो एक्सेस खत्म करने के लिए हम लोगों के इजी के लिए, खाली ये उन लोगों के लिए रोड नहीं होगा जो टाइटेनियम से कनेक्ट करेगा फेस टू के लिए, ये हर पब्लिक के लिए रोड होगा कि वो भी लोग आराम से कनेक्ट करके इधर से ले सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेट वाली जो लाइन जा रही है आपका सीधा ये 50 फीट का 100 फीट का रोड है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वाला रोड हम इसको कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो मेन रोड है ये मेन रोड राइट नाउ उस कंडीशन में नहीं है, खाली हमें तकलीफ नहीं होती है, हर किसी को तकलीफ होती है, लोगों को राइट नाउ तकलीफ हो रही है, लेकिन हर किसी का फ्यूचर होता है, स्टार्ट के 1 साल में कोई भी चीज़ फॉरन डिलीवर्ड नहीं होती, डेवलप नहीं होती है, आप कहीं पर भी जाएंगे, आप आज के बाद नया नाजमाबाद चले जाएं, इससे पहले नाजमाबाद के रोड भी आपको पता दे क्या हालत थी। मतीन भाई, थोड़ी सी हम ऑफवर्ड बात करेंगे, यानी यूँ कहेंगे हम इसमें थोड़ा सा पर्सनलाइज हो जाएंगे, इससे पहले आपका क्या एक्सपीरियंस है बिल्डर का, आपको इतनी बड़ी सीट पर माशाल्लाह आज आप बैठे हैं, तो आपका कोई माजी क्या प्रॉपर्टी रिलेटेड से कनेक्टेड है सर? अल्हम्दुलिल्लाह GFS की अचीवमेंट को आप इस वक्त लेके चल रहे हैं? नहीं नहीं सर, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल का एक्सपीरियंस है। ये हुई ना बात, साल का एक्सपीरियंस मेरा एक दूसरे बिल्डर के साथ है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी और बिल्डर का, बट मैं 3 साल GFS के साथ रहा हूँ, 11 साल मैंने एक बिल्डर के साथ काम किया और उसके साथ स्ट्रेट 11 साल किए थे, जॉब चेंज नहीं की। कंपैरेटिवली क्या देखते हैं GFS को और दूसरे अदर बिल्डर्स को? सर माशाल्लाह GFS बहुत डिफरेंट चीज़ है और एक बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव है उसका, जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, देखिए एक जगह 11 साल काम करके आया हूँ, फिर दूसरी जगह 3 साल में काम करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तो कुछ रीजंस हैं। सबसे मेन रीज़न ये है कि GFS अपने लिए कम सोचता है और अपने कस्टमर्स के लिए ज़्यादा सोचता है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी पेमेंट शेड्यूल, GFS से ज़्यादा ईजी पेमेंट शेड्यूल किसी के पास नहीं है पूरे पाकिस्तान में, GFS से ज़्यादा ईजी पेमेंट शेड्यूल किसी के पास नहीं है, GFS से ज़्यादा ऑप्शंस किसी के पास नहीं है, हमारे पास 4 लाख रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए तक की हर इन्वेंट्री में चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे पास हर तरीके का ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास हर तरीके का। आपने 9 ब्लॉक बात करूंगा, 9 ब्लॉक जो आपने बताए कि फेज 2 के अंदर एक्सेस करते हैं, तो ये इसके अंदर के आज भी एंड यूजर को इन्वेस्टर को चीज़ अगर वो लेना चाहे तो मिल जाएंगी, या उसके लिए हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर कोई से किसी इन्वेस्टर से अरेंज करके देंगे आप? नहीं सर, चीज़ें हमारे पास वैकेंट अवेलेबल है लेकिन हर ब्लॉक में नहीं है,
है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें अभी वैकेंट्स अवेलेबल है, बाकी तकरीबन सचेस हमारे बोलान कॉर्नर अवेलेबल है, ब्लॉक वन एक्सटेंशन 80 स्क्वायर यार्ड अवेलेबल है, हमारा मेहरान ब्लॉक अवेलेबल है, मेहरान ब्लॉक 2 अवेलेबल है, ब्लॉक 6 में कुछ इन्वेंट्रीज है, बोलान ब्लॉक एक्सटेंशन में कुछ इन्वेंट्रीज है और ब्लॉक 5 में कुछ इन्वेंट्रीज है, बाकी ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 वगैरह तकरीबन हमारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसमें अगर कोई फाइल मिलती है तो जिस तरह हमारे नॉट ऑन फेज 1 में चलता है कि फाइल कैंसिलेशन पे आ जाती है तो हम वो सोल्ड करते हैं, रीसोल्ड करते हैं। कैसा पाया आपने जीएफएस को आने के बाद, हर्डल्स क्या पेश आई आपको? सर हर्डल्स पेश उस जगह पर आती है जिस जगह पे फर्म पे कोई देखने वाला ना हो, जिसके ओनर्स सीईओ या फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े से अपने नेचर्स के हों, अलग नेचर्स के, बॉसी नेचर्स के हों, बट ये दे आर लीडर्स, मोहसिन भाई, इरफान भाई, बासित भाई, मंसूर भाई, दे आर लीडर्स, ये कभी भी बॉसी नहीं हुए हमारे साथ, इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, किस जगह पर हम फंसे हैं तो हमें गाइड किया कि नहीं इस तरीके से नहीं इस तरीके से, तो हर्डल्स आने नहीं दिए अलहमदिल्ला। आज की तारीख में बैठा हूँ, अब तो कोई हेडल्स आई नहीं है, इंशाल्लाह की उम्मीद है आगे भी कभी आएंगे। अगर मेरे किसी व्यूवर्स के ने, अगर किसी अलाटी ने, किसी यहाँ पर ऑनर ने या किसी को भी कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो आपसे रब्ता कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकता है, हम लोग फेस टू के ऑफिस में ही होते हैं, मैं होता हूँ, मेरे साथ दूसरी मेरी पूरी टीम होती है, आपके कोई भी इशूज है, आपके कोई भी रिगार्डिंग इशूज आ रहे हैं आप मेरे पास आ सकते हैं, हमारी फेस 1 पे भी टीम बैठती है, फेस 2 पे भी टीम बैठती है, आपका जिस तरीके का मैटर होगा उससे आपको कंसर्न बंदे से मिलवा दिया जाएगा और इंशाल्लाह आपके मैटर को सॉल्व। व्यूवर्स को बारे में लास्ट कुछ अपने अल्फाज बताएं, क्या कहना चाहेंगे जो अलॉटीज हैं, ऑनर्स हैं यहाँ पे? सर जीएफएस में आए, बहुत अच्छा टाइम है, राइट नाउ मार्केट डाउन है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जब मार्केट गिरती है उस वक्त पैसा लगाना चाहिए, मार्केट उठने में पैसा लगाना बेकार होता है, अभी पैसा लगाने वाला टाइम है, चीज़ें लें, अपने घर वालों के लिए लें, अपनी फैमिली के लिए लें, आपके लिए फ़ायदा है, फ्यूचर आपका बनेगा, आपके बच्चों के सिक्योर हो जाएगा फ्यूचर, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तो ये आपका फ़ायदा है, आप आएंगे हमसे कॉन्टैक्ट करें, जीएफएस के किसी भी ब्रांच में जाएं कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हमसे मज़ा आएगा, आपके साथ चाय पिए, नहीं लेना प्लॉट कोई मसला नहीं, आए हमारे साथ खाना खाएं, चाय पिए, आपको मोस्ट वेलकम है, बाकी जीएफएस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मदीन भाई, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से व्यूवर्स आपने देखा कितनी प्यारी बातें करी मदीन भाई ने और कितने कॉन्फिडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं ये, और किस तरीके से मतलब तमाम ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए, यानी आसिफ भाई भी यहाँ पर बैठे हुए थे किसी वक्त और वो भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर बात करते थे और माशाल्लाह लोगों के ग्रीवेंसेस दूर करते थे, इसी तरह मदीन भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जिनको भी कोई भी ग्रीवेंसेज हैं वो यहाँ आ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनकी पूरी टीम मैनेजमेंट यहाँ पर पूरी बैठी हुई है जो हर क्लाइंट को इंडिविजुअली तौर के ऊपर जो है वो पर्सनली अपने जो है वो इंटरेस्ट के साथ जो है वो उनके ग्रीवेंसेस को दूर करती है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो बना बना के दिखाता रहूँगा, इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।